कि यारी तो दुनिया करती है और करते भी आ रहे हैं और आगे भी करेंगे लोग, लेकिन एक ऐसी यारी जिसकी पूरी दुनिया में मिसाल दी जाती है, बड़ी गजब की यारी बताई है। आइए कृष्ण सुदामा के प्रसंग से एक बात आपके बीच में रखूंगा, एक बार जोरदार ताली से एक बार इजाजत दे दीजिए। साथ मौका की जब अब तो गरीबी से बुरा हाल मिस रानी के बार बार कहने पर वो सुदामा ना चाहते हुए भी अपने बचपन के यार कृष्ण के पास पहुंच जाता है। अब तो उसके फटे पुराने वस्त्र और लीतर को देख करके दौड़ी पर खड़े हुए द्वारपाल उसे धक्का देकर के भगा देते हैं, कहते हैं कि कौन है तू जो बिना आज्ञा के अंदर घुसा आ रहा है। साथियों आंखों में आंसू भर आते हैं, कहने लगा कि मेरा नाम ब्राह्मण सुदामा है और मैं कृष्ण भगवान के बचपन का यार हूं, एक बार उनको मेरा परिचय दे दीजिए, मैं उनसे मिलने के लिए आया हूं। दौड़ीवान कहने लगे कि कोई तू नया नहीं आया है, तेरे जैसे तिलकधारी ब्राह्मण रोजाना यहां पर कितने आते हैं और अपने आप को कृष्ण का यार बताते हैं, तेरे जैसे कितने मांगने खाने वाले हजारों इस दौड़ी पर आते हैं। साथियों अब तो बार बार विनती करता है सुदामा हाथ जोड़कर, अब तो एक द्वार पाल को दया आ जाती है और जाकर के कृष्ण भगवान को बता देता है कि महाराज कोई दौड़ी पर खड़ा हुआ है और अपना नाम सुदामा बताता है और आपको अपना बचपन का यार बताता है। अब तो सुदामा नाम सुनते ही कृष्ण भगवान अपने सिंहासन को छोड़ करके दौड़ पड़ते हैं। साथियों आंखों से आंसू बहने लगते हैं, आनंद होने लगे काया में जब ब्राह्मण देव नजर आए और कमल जिसे कोमल नैना में एकदम आंसू भरे आए। साथियों गले से लगा लेते कि आ मेरे यार, मेरे मित्र, इतने वर्षों से मैं तेरी बाट निहार रहा था, तू कहां था। अब तो पूरी आव भगत मान और सम्मान अपने यार सुदामा का करते हैं और अब तो कुछ रोज बीत जाने के बाद सुदामा कहता है कि आ मेरे मित्र, अब मुझे चलना होगा क्योंकि मिश्रानी और बच्चे मेरी बाट देखते होंगे। अब तो इस तरफ सुदामा को विदा कर देते हैं और मन ही मन सोचते कि आ मेरे मित्र, मुझे पता है तू अपनी आर्थिक तंगी से किस प्रकार गुजर रहा है और तू किस कार्य के लिए आया है, लेकिन मैं आज बड़ा खुश हूं कि तूने अपना बिल्कुल भी अपना स्वाभिमान नहीं गिराया। साथियों क्या कृष्ण भगवान मन ही मन सोचते हैं और क्या अपने मित्र के लिए कहते हैं, आइए सुनेंगे इस बात के माध्यम। यार जगत में मन टोहे ते भी पाया ना, और धन सुदामा टोटे मैं भी, धन सुदामा टोटे मैं भी, स्वाभिमान गिराया ना, तेरे जैसा यार जगत में टोटे खोटे जबर घने में कौन सी बात सही को न्या, ताने तक मोहताज सुदामा कौड़ी बात रही को न्या, सब तरिया मन टोके देखा अपनी आप दई को न्या, तू जितने दिन रहया मेरे धोरे तन माड़ी बात कही को न्या, अरे सब ढाला की कथा कही रहे, सुनाया ना, तेरे जैसा यार जगत में टोहे ते भी पाया ना, तेरे जैसा यार जगत में। हाँ
मैं मन तेरे ते मिसरानी लड़की देख लई, भूख प्यास में तेरे बच्चों की आप उजड़ती देख लई, दर दर धक्के खाए तने तेरी हवा बिगड़ती देख लई, जब आया मेरे धोरे तने दुनिया हटती देख लई, को चलाने वाला मैं भगवान हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, तू अपने आप अपनी मर्जी से नहीं आया है। बार बार मिश्राणी के कहने पर मैंने सपने में मिश्राणी को तुझसे लड़ते हुए देखा है, और भूख प्यास में तेरी कैसी स्थिति है ये मैं सारी कहानी जानता हूं। और तीसरी बात के माध्यम से क्या कहने लगा, सब जानू हाँ, सब जानू तू बाहर निकल गई नैनो नीर बहावेगा, कृष्ण जी को छलिया ठगिया धोखे बाज बतावेगा, खाली हाथों भेज दिया न्यू सौ सौ बात सुनावेगा, मेरे यार मेरे जैसा तन यार न तो है पावे जरूर है, उसके लिए ऐसा महल बनना चाहिए कि सारी दुनिया देखे और यारी की एक अनोखी मिसाल हो। साथियों ये गरीबी ये टोटा इतना बुरा होता है कि दुनिया को दुनिया के सामने मांगने के लिए और बड़े ही दुख दर्द भोगने के लिए कर देता है, और कहने लगा कि ऐसा महल अनोखा महल होना चाहिए कि यारी की एक अजब मिसाल हो। अब तो चौथी बात में कह देता कि विदर्भ देश के अंदर मेरे यार का बड़ा ही भव्य सुंदर महल बनना चाहिए, और क्या बताया गुरु जी ने। अरे विदर्भ देश विदर्भ देश पहुंच मित्र तेरे चंगे हाल बना दूंगा, तेरे महल में मान सरोवर जैसे ताल बना दूंगा, हीरे मोती कड़ी मणि ते माला माल बना दूंगा, दुनिया भर में यारी की एक गजब मिसाल बना दूंगा।